हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा नरेशन का एपिसोड 4। और इस एपिसोड में, इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा इम्परेटिव का जो दूसरा पार्ट है, लेट और लेटस वाले सेंटेंस की, यानी कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो देखिए, जब हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो एक तो बिल्कुल सिंपल इम्परेटिव होता है, एक लेट वाले सेंटेंस होते हैं और एक लेटस वाले सेंटेंस होते हैं। गोट इट? लेट वाले सेंटेंसेस में सिंपली हमको रिक्वेस्ट और ऑर्डर का मोड ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है, यानी कि वहाँ से हमें सेंटेंस में प्रार्थना या आदेश का भाव मिलता है। ठीक है, लेटस वाले सेंटेंसेस में हमें प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव और सजेशन यानी कि सुझाव का मोड ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, तो जब नरेशन बनाते हैं, हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं डायरेक्ट स्पीच को, तो सबसे पहले क्या बदलते हैं, सेट टू। तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में या ऑर्डर्ड में बदलते हैं मोड ऑफ एक्सप्रेशन चेक करके। अगर सेंटेंस लेटस वाला होगा तो सेट टू को बदलेंगे प्रपोज्ड या सजेस्टेड में, और इसका रूल इस सेंटेंस के थ्रू हम सीखेंगे अभी। तो देखो, आपकी स्क्रीन पर सेंटेंस है, द चाइल्ड सेट टू हिज मदर कोमा इनवर्ट द चाइल्ड सेट टू हिज मदर कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट मी प्ले फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो सबसे पहले जान लो सेंटेंस आखिर किस प्रकार का है। तो यहां से यहां तक तो पता नहीं चला, यहां पता लगा जाके कि भाई यहां पे क्या आ रहा, लेट, और लेट के जस्ट बाद क्या आ रहा, मी। तो यानी कि लेटस वाला तो ये है नहीं, ये है लेट वाला, और लेट के बाद मी इसीलिए आया क्योंकि लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो बनाते हैं इसको, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर द चाइल्ड। अब सबसे पहला काम है सेड टू को बदलना, तो लेट मी आया हुआ है तो इसका तो कोई काम नहीं, जो काम है इसका, क्योंकि लेट वाला सेंटेंस है तो या तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे या ऑर्डर्ड में। अब ये बताओ, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, बच्चे ने अपनी माँ से कहा, क्या कहा, लेट मी प्ले। लेट मी प्ले का क्या मीन्स है, मुझे खेलने दीजिए, मुझे खेलने दो। ठीक है, बच्चे ने कहा अपनी माँ से, तो बताओ जब वो यूँ कह रहा मुझे खेलने दो, इस सेंटेंस से आपको ये लग रहा कि वो ऑर्डर आदेश दे रहा या रिक्वेस्ट कर रहा, बताओ क्या लग रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है ना। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए, और हमने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाए हुए हैं, वहाँ जाके अच्छे से देखिए। ठीक है, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ टॉपिक है नरेशन का, टॉपिक लंबा खींच जाएगा नहीं तो। तो भाई, द चाइल्ड सेड टू हिज मदर कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट मी प्ले, मींस बच्चा कह रहा है मुझे खेलने दो या मुझे खेलने दीजिए, तो वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सेड टू को इसके मोड के अनुसार बदल देंगे, तो मोड क्या, मोड ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, रिक्वेस्टेड का। तो ये लो, द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत आज्ञा बनेगी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा काट के हम यहां काय का प्रयोग करते हैं, बताओ टू का, काय का, टू का। द चाइल्ड रिक्वेस्टेड हिज मदर टू लेट, लेट का लेट। अब ये जो मी है ये प्रोनाउन है, और भैया प्रोनाउन तो बदलते हैं, प्रोनाउन बदलना पड़ेगा, तो इस मी को काय में बदलो, बताओ तुम भाई साहब। इस मी का जो रिलेशन है वो इससे है, किससे, चाइल्ड से। बच्चे कह रहा है खुद के लिए कि मुझे खेलने दो, तो बच्चे के लिए अब यहां प्रोनाउन मी को काहे में बदलूंगा, लेट हिम प्ले, काहे में बदल दिया, हिम में। अब यू क्या, फिर यो तो ही में बदलना चाहिए था भैया, हिम में क्यों बदला। तो भाई लेट के बाद हमेशा क्या क्या आता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस आता है लेट के बाद हमेशा। तो इसीलिए अब हमने दो चीज सीखी कि भाई अगर लेट वाला सेंटेंस हो तो लेट वाले सेंटेंस को नरेशन बदलते वक्त एक तो हमें टू का ध्यान रखना पड़ा है कि कोमा इन्वर्टेड कोमा के स्थान पे तो क्या आ जाएगा, टू, और एक जो प्रोनाउन आया हुआ है वो बदलेगा। ठीक है, ये दो बात ध्यान रखनी है, बाकी सब मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, एक तो टू लगाएंगे और एक प्रोनाउन चेंज करेंगे, बाकी सेट टू को कहीं में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और ऑर्डर्ड में बदलेंगे।
समझ में आया? तो अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, क्योंकि ये वाला रब करके मैं दूसरा लिखने जा रहा हूं, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लो जी, ये आ गया आपका दूसरा सेंटेंस, देखते हैं इसको। द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल सेड, सेट टू को तो बदलना, बताओ काहे में बदलूं? भैया प्रिंसिपल ने कहा पियोन से लेट हिम कम इन, यानी के उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। ओ भैया, किसी को कह रहा है किसी को अंदर आने दो, तो प्रिंसिपल क्या कर रहा? आदेश। प्रिंसिपल क्या करेगा? रिक्वेस्ट। भैया पियोन से वो करेगा का रिक्वेस्ट, वो अलग बात है, कुछ ऐसा पेंच फंस जा, प्रिंसिपल को पियोन की रिक्वेस्ट करनी पड़ जा, वो अलग बात है। लेकिन सामान्य तौर पे प्रिंसिपल पियोन की रेस्पेक्ट नहीं करता, क्या करता है? ऑर्डर देता है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, कोमा इन्वर्टेड कोमा काट के, टू लेट, अब यहां पे हिम को क्या बदल दे? अब भैया हिम को क्या बदलोगे, क्या बदलोगे हिम का, बताओ बताओ। हिम यू नहीं बदलने का, इस हिम का रिलेशन ना तो पियोन से ना प्रिंसिपल से, इस हिम का अगर हम पियोन से देखें तो नो रिलेशन, इसी हिम का हम प्रिंसिपल पे देखें तो नो रिलेशन। जब इन दोनों से रिलेशन नहीं है, किसी तीसरे तरह, तो हिम का हिम रहेगा, हिम कम इन, फुल स्टॉप, हिम कम इन, ठीक है? देख लो लेटस वाले एग्जांपल देख लेते हैं अब, ठीक है? इससे लेटस का रूल भी सीख जाओगे। सबसे पहला एग्जांपल है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेटस प्ले। भाई साहब उसने कहा, ही सेड उसने कहा, लेटस प्ले, लेटस प्ले का क्या मतलब है? आओ खेलें, आओ खेलें, यानी कि लेटस का यूज यहाँ होता है जहाँ दो या दो से ज्यादा आदमियों की टीम, ठीक है, गैंग बन रहा हो, सारे बस उनके आओ रहे वहां चल रहे, आओ रहे बाजार में चल रहे, आओ रहे बैट बॉल खेलने चल रहे, यानी कि दो या दो से ज्यादा, आओ रहे वीडियो बना रहे, चलो ऐसे। ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेटस प्ले, यानी कि बहुत सारे वे, तो कोई सा एक उनमें से खड़ा हुआ, उसने कहा लेटस प्ले, तो क्या करा उसने? सजेस्ट किया, सुझाव दिया। ही सजेस्टेड, सबसे पहले सैड बदलना था, बदल दिया लेटस को, देख तो ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, इसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा की बात आई तो काय में बदला? डेट में बदला। फिर इसके बाद लेट अस को, भाई साहब लेट अस को बदलते हैं इसमें, लेट अस को बदलते हैं या तो दे शुड में या वी शुड में। अब ये सेंटेंस आई, सेंटेंस है भैया दे शुड करें या वी शुड, तुम बिल्कुल साधारण रूप से सोचो, ही सेड उसने कहा लेट अस प्ले, आओ खेल, मेरा कहीं जिक्र हुआ क्या? मेरा सेंटेंस को तुम बना रहे, तुम सोच लो तुम्हारा कहीं जिक्र हुआ के अपने ऊपर लेके, हुआ तो नहीं ना, तो कौन खेल लेगा? वे खेल लेंगे, तुम हो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में तुम हो क्या, यानी कि आई आर वी है क्या? नहीं है ना, ही है ना, तो कौन खेल लेगा? वे खेल लेंगे, तो वे खेल लेंगे तो क्या कर दिया? दे, और दे सुड या वी सुड, तो यहाँ पे क्या आ गया? दे सुड। नेक्स्ट, आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा लेट अस रीड, मैंने कहा आओ पढ़ रहे। ओ भाई साहब, अब मन ने कही, किसने कही? मैंने कही ना, तो जब मैंने कही तो आई सजेस्टेड दैट, अब भैया पढ़ेगा कौन कौन? मैं भी पढ़ूंगा, पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, यानी कि हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे तो क्या कर दिया वन ने? वी सुड, क्या हो गया? वी सुड, क्योंकि इसमें आरवी के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इन्वॉल्व हूं, यानी कि जो पढ़ने का काम मैं भी करूंगा खुद, जब मैं करूंगा तो और हम सब करेंगे अब, क्योंकि मैं दो चार को और कह रहा हूं जो मेरे साथ है, तो क्या हो गया यहां? वी शुड। नेक्स्ट, मारिया सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा लेटेस्ट डांस, मारिया ने मुझे कहा कि आओ नाच रहे, चलो आओ नाचते हैं, तो भाई साहब मैं इन्वॉल्व हूं, तो देखो मारिया प्रपोज्ड मी दैट वी शुड, क्या आ गया? वी शुड डांस आ गया ना, वी शुड, क्योंकि यहां पे मैं इन्वॉल्व हूं इसीलिए क्या आया? वी शुड। नेक्स्ट, मारिया सेड टू हर, मारिया ने उससे कही, क्या कही? लेट अस डांस, आओ तिनक दिन दाना करें, यानी कि आओ नाचते हैं, तो मारिया प्रपोज्ड हर। अब दैट, दैट के बाद अब मुझे या तो लिखना वी शुड या दे शुड, तो तुम बताओ, यहां देख लो, मारिया सेड टू हर, यानी कि इस आरवी के सब्जेक्ट आरवी के ऑब्जेक्ट में देख लो, मैं खुद, आई और वी, मैं या हम कहीं इन्वॉल्व है? नहीं है। जब हम इन्वॉल्व है नहीं तो भाई नाचेगा कौन? हम नाचेंगे? नहीं, वे नाचेंगे जो इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व कौन है? मारिया और हर, वे ही तो नाचेंगे, तो हमने क्या कर दिया? दे शुड डांस। तो ये था लेट या लेटस वाले इंपरेटिव।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पिछली क्लासेस का रिवीजन करिए अच्छे से, और इस टाइम को यूटिलाइज करिए और दबा के पढ़ाई करिए। गर्मी बहुत हो रही है, अपने घर पर बैठ के दबा के पढ़ाई करो। पिछली वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में जाके चेक करिए, और जो जो हमने पढ़ा रखे सब कुछ पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, टाटा बाय बाय।